नमस्ते साथियों, जय सुहेलदेव। आज महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म्स प्रोडक्शन और स्मिता म्यूजिक कंपनी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारे जो महाराष्ट्र में संस्था चल रही है राजभर समाज सेवा संघ, उनके राष्ट्रीय माने जो अध्यक्ष हैं, आज हमारे स्टूडियो में वापस आए हुए हैं। क्योंकि आप लोग देखे रहेंगे, उद्घाटन में आए थे सर। आज हम इस स्टूडियो के माध्यम से उन्होंने हम लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि मतलब आप लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो जयंती है उसमें आने के लिए। सर, आपने जब भी आए थे उसके बाद से आप लोग लगातार यहाँ का काम देख रहे हैं, आप लोगों को अब इसमें कैसा लग रहा है? हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो महाराजा सुहेलदेव फिल्म प्रोडक्शन के अंतर्गत जो ये रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो का उस वक्त जो ओपनिंग हुआ था, जिस वक्त हम आए थे ओपनिंग में, और तब से लेके आज इस दरमियान इस बीच में जो हम देख रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे जो बदलाव आया है। और ये स्टूडियो हम देख रहे हैं राजभर समाज में नंबर वन की स्टूडियो बनने जा रही है। आने वाले समय में आप इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे कि ये जैसे तारा जो चमकता है आकाश में, ये स्टूडियो राष्ट्रीय स्तर पे एक दिन चमकेगी। ये हमारी पूरे समाज के साथ जो शुभकामना है, अनवरत जारी रहे। सुभाष भाई, आपको लग इस समय देखकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि हम तो सभा में जा रहे हैं, जब से हम यहाँ महाराष्ट्र में आए हैं कोई हमसे सभा छूटता नहीं है, लेकिन आप ये प्रयास देख करके आपको कैसा लग रहा है? हमें तो जब से स्टूडियो की ओपनिंग हुई आज से आज इस ऊंचाई पर पहुंच गई है कि समाज में बहुत बड़ा नाम हो रहा है हमका, और भगवान करे ऐसे ही होते रहे। थैंक यू। आपको ये कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत हो आपकी कंपनी को, क्योंकि पहले देखे थे उससे आज बहुत काफी बढ़त है। भगवान करे रात दूना चौगुना बढ़ते रहे। भैया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। समाज के हिसाब से आपके जो महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म प्रोडक्शन के आप मालिक हैं और बहुत बढ़िया काम करे। हम लोग तो यूट्यूब पर देखते थे, पहली बार मैं आया हूँ, लेकिन आप तो करंट के माफक बढ़ते आगे बहुत बढ़िया है। 400 वोल्टेज के हिसाब से चल रहे हैं। बहुत आज जो है आनंद का दिन ये है जी, कि जब हम पहली बार स्टेज पर गए थे विरार में, तो उस समय गाना गा रहे थे हमारे विलास राजभर जी, जो कि बालेश्वर जी के परम शिष्य हैं जी। जी, इतना अच्छा गाना इन्होंने गाया, तो मुझे ये लगा कि कोई इनको उस स्थान पर ले जाता फिल्म लाइन में। उस समय हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था जी, लेकिन आज सौभाग्य है कि हमारे बीच में है। और पहला जो कैसेट हम बनाए थे नमन सुहेलदेव जी की, वो गाना देख रहे हैं बहुत वायरल हो गया है, आज हमारे बीच में है। मैं विलास भैया से कहूँगे दो शब्द जरूर बताएं राजभर समाज के बारे में, जो आप गाना एक गाते हैं, धीरे धीरे बदला समाज बदल जाएगी, वो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुनाइए। ये गाना तो पहले मैंने मलाड में गा दिया था। मुझे बहुत खुशी होती है कि माननीय अध्यक्ष जी, क्या बात, हमारे बड़े भैया सभी लोग के बीच में राजभर समाज को सींचने का जो आप लोग काम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती जो हर साल मनाई जा रही है, मैं आया भी हूँ मंच तक, बहुत बढ़िया लगता है। और रहा स्टूडियो का सवाल, तो राजभर समाज के एक आप इस समय चर्चित चेहरा बन चुके हैं। इतने सारे आल्हा भी अपने दो चार दिन पहले कवि जी के मार्गदर्शन में रिकॉर्ड हुआ है। मैं आपके कई कंपनी की तरफ लगभग मुझे याद है 7-8 एल्बम गा चुका हूँ, और एल्बम वो मुझे प्रसिद्धि मिली समाज के लिए। पहली बार जब मौका मिला मुझे कि धीरे धीरे अपन समाज बदली जाएगी, ना चाहे झगड़ा ना चाहे लड़ाई, धीरे धीरे अपन समाज बदल जाएगी। तो हम लोग शिक्षित हो गए और समाज पहले से बहुत बदल गया और उसका श्रेय माननीय अध्यक्ष जी को जाता है, इनकी टीम को जाता है, भैया को जाता है, और साथ साथ हम लोग का आपके साथ काफी काफी मुझे ये लगा कि एक ही जयंती एक ही मनेगी 2 तारीख को, मैं लेकिन 2 तारीख को मैं हूँ नहीं यहाँ। मैंने भैया से पहले ही बताया, कई जगह से फोन आया था, 9 तारीख वाले में पहुंचे हम, 9 तारीख वाले में, 9 तारीख में जयंती बढ़िया से मनाएंगे। बिल्कुल, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को और आप सभी लोगों को। एक बार पुनः जय हिंद, जय जय जय। ओके।